इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 45 गायों की मौत का मामला, जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक हाई लेवल की जांच कमेटी का जो है गठन कर दिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के जो SP गंगाराम पुनिया, वो इस समय यहां पर पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? 45 गायों की जो मौत का मामला था, कि जांच कमेटी बिठाई गई है, काफी गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर जांच कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जहरीली गैस का कोई जो मामला आ रहा है कि जहरीली घास जो है खाने से मौत हुई है? देखिए, अभी इस संबंध में हमने कुछ लैब में भी सैंपल्स भेजे हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम इस चीज़ की पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन अभी मामले की जांच कर रहे हैं, जितने भी इस मामले में जो भी एंगल्स हैं, वो सभी एंगल्स से जांच कर रहे हैं। तो विसरा वगैरह रिपोर्ट भी ली गई है जांच के लिए? जी, कल पोस्टमार्टम हुआ था, उसके विसरा जो है वो भी हम लैब में भेजेंगे और वहाँ से भी रिपोर्ट हासिल करेंगे। व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं है, उसके कारण भी 3-4 गायों की मौत हो रही है, जिस बारे में भी प्रशासन DC साहब से बातचीत की जा रही है, गोबर और कीचड़ काफ़ी है। देखिए, जो कुछ इश्यूज है जो प्रशासन से रिलेटेड है, तो मैं वो अगर इस प्रकार की बात अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर सामने आती है तो वो DC साहब से भी हम उनके संज्ञान में भी लाएंगे। तो यहाँ पर एक जांच कमेटी की मीटिंग हो रही है इसी मामले को लेकर? हाँ, इस मामले में जितने भी IO हैं, जो भी हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं या जो FSL के लोग हैं, उनसे हम एक बार डिस्कस करेंगे और जो भी आगे कुछ क्या किया जा सकता है, ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी एक तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जा सके। तो आप देख सकते हैं इस समय करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, वो यहाँ पर मौजूद हैं फोरेंसिक टीमों के साथ, इलाका DSP के साथ, डॉक्टर्स की स्पेशल टीम जो है यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, डॉक्टर्स की स्पेशल टीम जो है अंदर मौके पर पहुंची हुई है। कल 45 गायों की मौत का मामला अपने आप में एक बड़ा मामला जरूर है। जिस व्यक्ति से, जिस आड़ती से घास आई थी, उसके खिलाफ हालांकि मामला प्रशासन द्वारा दर्ज कर लिया गया है। और इस समय आप लोग देख सकते हैं जिस थाना क्षेत्र में, करनाल के सेक्टर 32 थाना में जो पर्चा दर्ज हुआ है, जो मामला दर्ज हुआ है, वहां पर खुद करनाल के SP गंगाराम पुनिया यहां पर पहुंचे हैं, DSP मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है, जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है उनको भी जो है शामिल जांच किया जाएगा। वहीं इस समय आप देख सकते हैं कि जो गोभक्त हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो वहां के प्रधान हैं, जो गौशाला को चला रहे हैं, वो सभी लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि इस मामले की पूरी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 45 गायों की मौत का मामला है और जहरीली घास खाने से मौत हुई है। इस बारे में लेकर जो है आप देख सकते हैं समय, जो गौशाला के जो प्रधान है, जिनको जो है सेवा दी गई है वहां पर, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? एक बहुत ही गंभीर मामला है, 45 गायों की मौत हो जाती है, आप भी काफी चिंता में नजर आ रहे हैं, दुखी नजर आ रहे हैं, कैसे हुआ ये और क्या कुछ पता चल पाया? सर, ये जो है 26 जनवरी को हमारी जो रूटीन है, वैसे तो अक्टूबर 2020 में हमने गौशाला संभाली थी, इससे पहले किशन गर्ग जी इस गौशाला को संभालते थे। तो अक्टूबर 2020 से ही हमारा जो घास मंडी के अंदर आड़ती है महेंद्र सिंह चौहान, हम उससे घास मंगाते हैं, वो बोली देता है। वहाँ पर घास मंडी के अंदर सैकड़ों ट्राली आती है और वो अलग अलग जिम्मेदारों की होती है, वो ट्राली इसी लिए 26 जनवरी को सुबह हमने घास मंगाया, तो उसने एक 82 क्विंटल 40 किलो की ट्राली, जो कि ये आपका पानीपत जिला डिस्ट्रिक्ट में है, संदोली क्या कौन सा नाम है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, वहाँ से उस जिम्मेदार की ट्राली आई थी और 82 क्विंटल 40 किलो घास, जो मुझे लेबर ने बताया है, तो उसमें से काफ़ी घास, तो जो ऊपर का घास था सुबह के टाइम डाला गया सभी खोरों में, उसका कोई माइनस पॉइंट नहीं आया। रात को जब टोटल वो जो घास था 40-50 क्विंटल, वो दो सेटों में डाला गया, दो सेटों में डालने से रात के 1:30-1 बजे जो लड़का शिव रहता है गौशाला के अंदर, चौकीदार है, चौकीदार ने उसको बताया कि भी गौओं ने मरना शुरू कर दिया है कोई 1 बजे करीब जी, और 1 बजे से 5 बजे तक लगभग 45 गाय मर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, किसी की शरारत भी हो सकती है या जहरीली जो घास है वो भी हो सकती है? देखिए, ऐसा मामला कभी भी, आज 3-2.5 साल हो गए, कभी जिंदगी में नहीं आया, लेकिन लेकिन जो है ना, ये मामला आया है, तो इसमें घास में भी गड़बड़ हो सकती है और शरारत से भी मैं इनकार नहीं करूंगा, ये तो जांच का विषय है। सर, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था क्यों नहीं है? आप सारा जिम्मा नहीं उठा सकते, गोबर वहां से सही उठान नहीं होता है, कल भी देखा था गोबर में किस तरह से गायें वहां पर पड़ी हैं, उसके कारण भी बीमारी फैलती है। नहीं, मैं बताता हूँ सर, कल तो जो हम अस्त व्यस्त रहे और जो 45 गौ मरी हैं, सारी लेबर बिल्कुल सोक्ड हो गई थी और पुलिस कार्रवाई के कारण से वो गौशाला में सफाई नहीं हुई है, लेकिन प्रतिदिन अगर आप अब भी जाकर देखेंगे तो वहाँ गोबर उठाकर रख दिया जाता है, शेडों की बकायदा सफाई की जाती है। और दूसरी बात क्या है कि मान लो नगर निगम करनाल आज मुझे क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है जी, मैं ये जो ये, मैं इसमें दूध नहीं है गौशाला में, तो ये टोटल लेबर का तो दे रहे हैं वो, लेबर का 10 नवंबर से देना शुरू किया सर, 10 नवंबर से 20 दिन के पैसे 19 दिसंबर को दिए हैं और 7 तारीख को सैलरी देते हैं हम, और उसके बाद मुझे कल जो कल 27 तारीख गई है, 27 तारीख को दिसंबर के महीने की सैलरी मिली है,
3,23,000 रुपए मुझे मिले हैं। चाहते हैं कि सहयोग होना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ। आप सरकार की गौशाला है सर। देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर हम कब तक संभालेंगे? सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को अपने नियम बनाने की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा, मैं राजेश बंसल हूँ, और मैंने अपने तौर पे बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम फूसगढ़ करनाल की तरफ से ये संभाला हुआ। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हिम्मत इनकी भी है कि किस तरह से राजेश बंसल जो बाबा बंसीवाला गोधाम है उसकी तरह से यह सेवा जरूर करते हैं। लेकिन इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 32-33 थाना से देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से जो करनाल की एसपी हैं गंगाराम पुनिया वो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं, फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है, गौशाला के जो प्रधान है उनको मौके पर बुलाया गया है, उन कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया है, और स्पेशल जो डॉक्टर्स की टीम है पशुपालन डिपार्टमेंट से वो भी यहां पर पहुंची है। तो जांच कमेटी का गठन किया गया है कि आखिरकार 45 गायों की मौत के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्या कोई साजिश है, कोई शरारत है, या फिर वाकई ही जहरीला घास खाने से 45 गायों की मौत हुई है, दोबारा से इस तरह का कभी हादसा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसको लेकर स्पेशल जांच कमेटी समेत जांच करती हुई नजर आ रही है। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।